हम पढ़ रहे थे बेटा डिजीज के बारे में। डिजीज होती क्या है? डिजीज टर्म भाई, हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़े डिजीज। वेहन वन और मोर ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी मे बी अफेक्टेड। या फिर नॉट प्रॉपरली फंक्शन, यानी बेटा ये कह रहा है कि जब हमारी बॉडी यानी शरीर का एक या एक से ज़्यादा अंग अफेक्टेड हो जाए या फिर प्रॉपरली तरीके से यानी सही तरीके से काम ना कर पाए, तब उस स्टेट को बोलते हैं डिजीज भाई। अब डिजीज किसके द्वारा होती है? डिजीज कैन बी या डिजीज क्यों जटवाई, ये होती बेटा पैथोजन के द्वारा। अब आप जानोगे कि पैथोजन होता क्या बेटा, पैथोजन स्ट्रम, पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस। देखो भाई हमने पढ़ा बेटा डिजीज के बारे में, जब हमारा शरीर के एक या एक से ज्यादा अंग इफेक्टेड हो जाए या प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाए, तो मैंने इस टर्म को बोला डिजीज। अब डिजीज बेटा होती किसके द्वारा है, डिजीज किसके द्वारा होती है, ये होती है बेटा पैथोजन के द्वारा। आप समझो कि पैथोजन टर्म्स होती क्या हमारी, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स यानी रोगों को फैलाने वाले जीव, रोगों को फैलाने वाले जीव को आप बोलते हो पैथोजन टर्म। इसके अंदर आपके कौन कौन सी इंक्लूड है, एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकती है, प्रोटोजोआंस हो सकते हैं बेटा आपके, या फिर आपका एलिमेंथस भी हो सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके किस तरह से भाई आपके बैक्टीरिया द्वारा होने वाली डिजीज कौन सी है, वायरस के द्वारा होने वाली कौन सी है, फंगी के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या फिर आपके एलिमेंथस के द्वारा। पैथोजन्स के कुछ फंक्शन हैं, यानी आपके पैथोजन्स कैसे करते हैं सर्वाइव बेटा, दे एंटर इनटू द होस्ट बॉडी वेयर दे कैन मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव एट लो पीएच एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर आप गट। यानी कह रहा आपके जो पैथोजन है बेटा वे आपके एंटर करते हैं होस्ट बॉडी के अंदर। अब आप होस्ट समझते हो कि आपका ह्यूमन बींग मान लिया भी होस्ट है बेटा, एंटर कर जाएंगे और वो अपनी कॉपी बना लेंगे बॉडी के अंदर जाने के बाद इन ब्लड के अंदर, और वो आपके सर्वाइव करते हैं लो पीएच पे, या फिर आपके छोटे आदमी एंटर कर जाए या फिर आपके गट के अंदर चले जाएंगे भैया, ठीक है। ये आपके वहाँ पर पैथोजन एंटर करेंगे और बॉडी के अफेक्टेड करेंगे, तो आपको डिजीज हो जाएगी और डिजीज क्लोजिंग ऑर्गेनिज्म से आप समझते हो पैथोजन भाई। अब देखो आप सबसे पहले मैं अगर बात करूं हमारे पास डिजीज कौन कौन सी हैं भाई, डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले बात करूं बेटा मैं टाइफाइड की, टाइफाइड भाई, टाइफाइड ये आपकी डिजीज है स्प्रेड बाय, किसके द्वारा फैलती है, सेल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। यानी आप यहां से समझ सकते हो कि यह आपका पैथोजन है, पैथोजन के अंदर भी आपका बैक्टीरिया है जिसने ये डिजीज फैलाई है स्प्रेड बाय,
बैक्टीरिया का नाम क्या बेटा हमारे पास सेलमोनेला टाइफाई है। इट इंटर थ्रो द फूड एंड एफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कह रहा है जब कोई भी हम पानी पीते हैं फिर आपका भोजन हमने खाया बेटा, भोजन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और अफेक्ट कर देगा हमारी बेटा छोटी आंत को यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब सिम्टम्स कौन कौन से हैं रोग के, सिम्टम्स कौन कौन से आप क्या होगा बेटा? पहली बात तो हाई फीवर, हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। नंबर दो कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, हेडेक, ठीक है भाई। ये आपके कुछ सिम्टम्स होंगे इसके बेटा, हाई फीवर यानी तेज बुखार होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लॉस ऑफ एपेटाइटिस और आपका हेडेक सिर दर्द का होना, या फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोलीफेरेशन भाई यानी बेटा छोटी आदमी इन्फेक्शन का फैलना, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। और अब कह रहा है इसके लिए आपका टेस्ट का नाम कौन सा है भाई, आपका टेस्ट क्या होगा इसके लिए, इस रोग को चेक करने के लिए? इसके लिए टेस्ट रहेगा बेटा आपका विडाल टेस्ट। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं, ये आपकी कैसी भी थी, ठीक है। सबसे पहले इसको कहां पर देखा गया इस रोग को, दिस डिजीज कैन बी डिटरमाइंड बाई ए कुक नेम्ड सेलमोनेला, ठीक है, हुज निक नेम मैरी मेलन ये कह रहा है भाई। ये सबसे पहले आपके जो ये रोग था, एक कुक थी प्रोफेशन से, जिसका व्यवसाय था बेटा भोजन को पकाना या भोजन उसको परोसना, एक सेलमोनेला इसका नाम था औरत का, और उसका जो निक नेम था वो था बेटा मैरी मेलन, सबसे पहले उसके अंदर ये पाया गया। और ये थी आपकी एक फीमेल कैरियर भाई, इस रोग को करने वाली कौन थी, फीमेल कैरियर थी बेटा इस रोग को करने वाली यानी फीमेल कैरियर। और इट स्प्रेड इन्फेक्शन या फिर दिस डिजीज थ्रो फूड सी सरो। देखिए भाई सबसे पहले हमने बात करी है टाइफाइड की भाई, क्वेश्चन हमारा ये बनेगा टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है, कौन से पैथोजन के द्वारा होता है, तो आपका बैक्टीरिया पूछे, वायरस पूछे, फंगी पूछे या प्रोटोजोआ पूछे, एलिमेंटस के बारे में पूछे, तो आपने बताना है इट इज कॉज बाई पैथोजेनस बैक्टीरिया। आपका बैक्टीरिया रहेगा उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर सेलमोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। अब इसके कैसे एंटर करता है ये हमारे शरीर के अंदर, इट एंटर थ्रो अवर फूड वी ईट एंड अफेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे छोटी आंत को अफेक्टेड करता है। अब इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, स्प्रेड बाई लिखना आपने भाई कैसे जाएगा बॉडी के अंदर, सिम्टम्स कौन कौन से हैं और टेस्ट कौन कौन से होंगे, और इसकी थ्योरी क्या है किसके द्वारा आपका पहले फैला गया था, आपका ये फैला हुआ था इस रोग का। हाई फीवर रहेगी बेटा, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, एटैक का होना और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोलीफरेशन, ये आपके सिम्टम्स शो हो रहे हैं। उसके बाद कह रहा है टेस्ट कौन सा रहेगा इस रोग के लिए, तो आपने लिखना कि सर विडाल टेस्ट रहेगा हमारा टाइफाइड के लिए। और आपकी डिजीज थी एक कुक के द्वारा सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, उसके अंदर आपको मिली थी भी, जिसका नाम था मैरी मेलन निक नेम्ड, और उसका पूरा नाम था सेलमोनेला, और इसी हिसाब से रोग बैक्टीरिया का नाम सेलमोनेला टाइफाई रखा गया है। ये फीमेल कैरियर रोग है, और ये आपका उसने इस रोग को लोगों के अंदर कैसे फैलाया, भोजन के द्वारा जो वो सर्व करती थी यानी जो परोसती थी भाई। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम न्यूमोनिया के बारे में भाई, न्यूमोनिया डिजीज के बारे में। देखो
अगर बात करूँ मैं निमोनिया डिजीज की, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके लिए आपके जो स्प्रेड बाई किसके द्वारा फैलेगी बेटा, स्प्रेड बाई कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर आपका रहेगा इमोफिलस इन्फ्लुएंजा बेटा। ये आपके दो बैक्टीरिया हैं जिनके द्वारा निमोनिया डिजीज फैलती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भाई। अगर बात करूं मैं इसके सिम्टम्स की, इन दिस डिजीज लंग्स अफेक्टेड, आपके जो लंग्स होते हैं बेटा अफेक्टेड हो जाएंगे, एयर सैक जिनको मैंने लंग्स बोला है ये आपके अफेक्टेड हो जाएंगे, यानी मेनली आपका जो एयर एल्विलाई है ये आपके अफेक्टेड हो जाएंगे भाई। आपको हाई फीवर रहेगा, तेज बुखार होगा इस रोग के अंदर बेटा, हेडेक, सिरदर्द रहेगा और चिल, ठंड लगेगी आपको, कफ होगा, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं इस रोग के भाई। अब ये इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड बाई, इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड बाई इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द स्नीजिंग, या फिर आपका वेस्ट डिस्पोजल है, एंड अटनसिल शेयरिंग, ग्लास शेयरिंग। यानी बेटा बात ये कहने की कि ये रोग किसके द्वारा फैलेगा, फैलेगा कैसे, एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी, ठीक है, अन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, अन अफेक्टेड पर्सन के अंदर कैसे फैलेगा, या फिर आप उसको बोलते हो आप हेल्थी पर्सन के अंदर कैसे फैल सकता है। आप जानते हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति इन्फेक्टेड है निमोनिया रोग से, तो उसके द्वारा जो यूज किए जाने वाले हैं अटनसिल, यानी उसके बर्तन वगैरह, या फिर आपको स्नीजिंग कर रहा है, या उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी कफ वगैरह का जो वेस्ट प्रोडक्ट है अगर उसको बाहर छोड़ रहे हैं, तो उसके द्वारा पता आपको बैक्टीरिया रिलीज हो जाएंगे इन्वायरमेंट के अंदर और वो किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से उसको भी क्या हो सकती है बेटा, आपका निमोनिया रोग हो सकता है। अगर बात करूँ इसके सिम्टम्स की, आप जानते हैं इस रोग के अंदर आपके जो मेनली लंग्स अफेक्टेड हो जाएंगे भाई, यानी एयर सैक्स, यानी आप बोलते हो एयर एल्विलाई आपकी अफेक्टेड हो जाएंगी, आपको हाई फीवर रहेगा, हेडेक रहेगी, चिल हो सकता है, कफ हो सकता है, और आपका फैलेगा बेटा पैजेंस के द्वारा, नाम है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। उसके बाद मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कॉमन कोल्ड के बारे में भाई। देखो आप कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड आप समझते हो जुखाम भाई। अभी तक हमें ये पता है कि आपका जो पैथोजन्स था स्प्रेड बाई किसके द्वारा फैलता है, तो बेटा ये फैलता है राइनो वायरस के द्वारा भाई। अभी तक हमने जो दो डिजीज पढ़ी है बेटा वो आपकी दोनों बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। अब ये आपका इनके अंदर पैथोजन्स काम कर रहा है कौन सा बेटा, आपका वायरस है। तो पहली डिजीज कौन सी आपकी, राइनो वायरस है, स्प्रेड बाई राइनो वायरस। अब इसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से हैं, क्या क्या शो होंगे सिम्टम्स बेटा इन दिस डिजीज, पर्सन नेसल चैम्बर अफेक्टेड भाई, यानी जो नेसल चैम्बर है वो आपके अफेक्टेड हो जाएंगे, ना कि लंग्स। फर्क कितना है, इतना फर्क है कि आपकी जो मैंने अभी निमोनिया डिजीज पढ़ाई बेटा उसके अंदर आपके जो लंग्स थे यानी एयर विलाई एयर सैक वो आपके अफेक्टेड थे,
लेकिन इसके अंदर आपका जो नेसल चैम्बर है वो आपके अफेक्टेड हो जाएंगे भाई। इसके अंदर आपको रहेगी चिल, ठंड लगेगी। अब आप बोलते हो ना आपकी भाई स्नीजिंग, छींकें आएंगी बेटा जोर जोर से, नोज रनिंग यानी बेटा नाक का बहना, हेडेक यानी बेटा सिर दर्द होना, ये सभी रोग के सिम्टम्स हैं। ये रहेंगे बेटा 3 से 5 डेज, ठीक है। इस रोग का जो अवधि काल होता है वो 3 से 5 दिनों का होता है जुकाम का। अगर बात करूं बेटा मैं ये कैसे होता है, इन्फेक्शन कैन स्प्रेड बाई, इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड बाई इन ए हेल्थी पर्सन थ्रो द यूज ऑफ अफेक्टेड पर्सन ग्लास अटेंसिल्स या फिर पेन और बुक एंड थ्रो वेस्ट। आप सब जानते हैं कि बेटा आपका जो जुकाम रोग है ये किसके द्वारा फैलता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, ठीक है, एक अस्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ये फैलेगा बेटा बाय द यूज ऑफ, आप उसके ग्लास यूज कर रहे हो या जो बर्तन यूज कर रहे हो या फिर आप पेन वगैरह यूज कर रहे हो या कपड़े वगैरह यूज कर रहे हो, थ्रू द वेस्ट या फिर आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके द्वारा। ये आपका रोग था कॉमन कोल्ड यानी जुकाम भाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया के बारे में भाई। मलेरिया, मलेरिया डिजीज भाई, सबसे पहले अगर बात करूं बेटा मलेरिया डिजीज की, ये आपकी स्प्रेड है यानी फैलती है स्प्रेड बाई प्रोटोजोआ, इसका नाम रहता है बेटा आपका प्लाज्मोडियम। अभी तक हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग के बारे में पढ़ा, वायरस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग का। तो पहले हमारे पास है मलेरिया डिजीज के बारे में, ये आपका फैलता है बाई प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम भी 3 ग्रुप के अंदर होते हैं बेटा आपके, ठीक है भाई, पी वी वॉक्स, पी मलेरिया और पी फ्लैसीपरम। इसके 3 ग्रुप होते हैं, पी वी वॉक्स, पी मलेरिया, पी फ्लैसीपरम। एक आपकी अनसर्टेन लाइन लिख रखी बेटा, जो आपकी मार्जिनेंट है ना, मार्जिनेंट यानी बड़े तौर पे मार्जिनेंट मलेरिया कैन स्प्रेड बाय पी प्लाज्मोडियम फ्लैसीपरम भाई। आपके प्लाज्मोडियम फ्लैसीपरम के द्वारा आपके जो मार्जिनेंट मलेरिया है जिससे मृत्यु हो सकती है, ठीक है, विच क्योर्स डेथ, जिससे बेटा किसी पर्सन की मृत्यु हो सकती है, इस प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है भाई। अब कह रहा है इस प्लाज्मोडियम को यानी प्रोटोजोआ को फैलने के लिए आपको 2 लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए बेटा 2 चाहिए होंगे, 2 होस्ट चाहिए होंगे। लाइफ साइकिल कैन बी कंप्लीट बाई थरो 2 वेक्टर या 2 होस्ट बोलो आप इनको, या बोलो इनको होस्ट बेटा। एक तो होता है एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बेटा। एक नंबर तो होगा बेटा ह्यूमन बीइंग यानी मानव। हर बार क्वेश्चन बनता है मलेरिया डिजीज से। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में भी कैसे एंटर करता है। अब टॉपिक का नाम रहेगा बेटा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम भाई, डिस्कस करेंगे बेटा। अब हम अभी तक हमने ये पढ़ा कि आपके जो मलेरिया डिजीज है वो आपकी फैलती है प्रोटोजोआ जो आपका है प्लाज्मोडियम के द्वारा।
अब कह रहा है लाइफ साइकिल को पूरी करने के लिए भी प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो वेक्टर चाहिए, दो उसकी जरूरत होगी। एक तो होगी हमारे पास फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, नंबर दो रहेगा बेटा आपका ह्यूमन बींग। तो देखिए अब लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम, देखो बेटा प्लाज्मोडियम कैन एंटर थ्रू ह्यूमन बॉडी बाय द कट ऑफ या कटिंग ऑफ या कटिंग by anopheles mosquito in sporozoite form। ठीक है भाई, ये कह रहा प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर एंटर करेगा बेटा थ्रो द बाइट ऑफ या फिर आपके कट द्वारा, इसको बोलते हैं बाइट यानी काटने के द्वारा भाई आपके, जब कोई भी मादा एनाफिलीज मॉस्किटो यानी मच्छर काटेगा ह्यूमन बींग को तो स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में आपके प्लाज्मोडियम एंटर करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। प्लाज्मोडियम स्प्रेड इन ब्लड, आपका बेटा ब्लड के अंदर चला जाएगा एंड मल्टीप्लाई विद लीवर सेल। देखो भाई रक्त में जाने के बाद आपका जो प्लाज्मोडियम बेटा वो मल्टीप्लाई करेगा यानी कॉपी बनाएगा अपने लीवर सेल के साथ में एंड अटैक आरबीसी ऑफ बॉडी, यानी बेटा जो रेड ब्लड सेल हैं उनको अटैक करेगा। जब रेड ब्लड सेल अटैक होंगी ना आरबीसी रैप्चर, जब आपकी रैप्चर होंगी एंड टूटेंगी बेटा दे रिलीज ए टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन भाई। ठीक है भाई, एक टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जहरीला पदार्थ रिलीज होगा बेटा हीमोजोइन्स आरबीसी के टूटने की वजह से, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर भाई, चिल एंड फीवर। ठीक है, यानी तेज बुखार के लिए और ठंड लगेगी ह्यूमन बॉडी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जब आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर रिलीज होगा। इतना होने के बाद वेहन एन एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट बाइट ए इन्फेक्टेड पर्सन दे एंटर इंटू दी गट एंड सिलेवरी ग्लैंड। देखो भाई प्लाज्मोडियम को बॉडी के अंदर लेके आने वाला था एनोफिलीज मॉस्किटो, आप जानते हैं बेटा ये सब बात मैंने आपको पढ़ाई है, स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में आ गया। जब स्पोरोजाइट्स ब्लड के अंदर चले गए तो आपने पता है लीवर सेल के साथ अपनी कॉपी बना के आरबीसी को तोड़ रहे हैं, जब आरबीसी रैप्चर हो रही तो बेटा आपने बताया कि टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जिसका नाम है हीमोजोइन, जो आपका रिस्पॉन्सिबल है बेटा किसके लिए, हाई फीवर के लिए, आपका ठंड लगने के लिए। इतना होने के बाद में जब ये भी आपका जो मादा एनोफिलीज मॉस्किटो है जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा ना तो आपके जो स्पोरोजाइट्स की फॉर्म है प्लाज्मोडियम की वो एंटर कर जाएगी मच्छर के गट के अंदर और सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर यानी लाल ग्रंथि के अंदर। वेहन मॉस्किटो बाइट ए
हेल्दी पर्सन, दे कैन स्प्रेड इन्फेक्शन। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, जब ये मॉस्किटो के गट के अंदर चले गए स्पोरोजोइट्स फॉर्म, तो दे फॉर्म कॉपी, आपने बताया दे फॉर्म कॉपी और रिप्रोडक्शन करेंगे बेटा, दे रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस मैनी कॉपी एंड गैमेट्स। ठीक है भाई, अब जब दोबारा से आपका जो मॉस्किटो है यानी करेगा बेटा किसी भी हेल्थी पर्सन को उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको काटेगा ना, तो आपके ये फिर फैल जाएंगे, तब हमारा इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम को दो होस्ट की आवश्यकता होती है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। आप सभी ने ये पढ़ा है कि एक तो ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता होती है, दूसरा हमारे पास मादा एनोफिलीज मॉस्किटो की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप इसको लेके आने वाली कौन होती है, आपको ये समझना है, इसको लेके आने वाली होती है मादा एनोफिलीज मॉस्किटो। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे स्पोरोजाइट्स की फॉर्म में, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा लिवर सेल के साथ में ब्लड के अंदर, और आपकी जो आरबीसी ब्लड के अंदर उसको तोड़ देंगे। जब आरबीसी रैप्चर होती है तो आपको पता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस यानी हीमोजोन रिलीज होता है, जिससे आपको हाई फीवर यानी तेज बुखार होता है और ठंड लगती है। इतना होने के बाद में ये तो हो गया भाई यहाँ तक इन्फेक्टेड हो गया पर्सन, लेकिन जब दोबारा से कोई भी आपका जो मादा एनोफिलीज मॉस्किटो काटेगी ना इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के गट के अंदर और सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर आपकी जो स्पोरोजाइट फॉर्म है ना पैरासाइट्स की, वो चली जाएगी, प्रोटोजोआ चली जाएगी, जिससे फिर क्या होगा बेटा आपका, जिससे ना आपकी जो ये रिप्रोडक्शन करेंगे वहाँ पर जाने के बाद सिलेवरी ग्लैंड के अंदर, आपको पता पीएच होता है वहाँ पर आपका सलाइवा होती है और आपका गट के अंदर, और जैसे ही फिर दोबारा से किसी हेल्दी पर्सन को यानी स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट कर रही है, तो फिर दोबारा से आपका इन्फेक्शन फैला देंगे भाई। ये था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में भाई।